तो ये देखो प्यारे बच्चों, ये एक थियरी बेस्ड क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ये डिफ़िकल्ट नहीं है, आपको याद होना चाहिए कि कहता है मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ ए डाई मैग्नेटिक एटम। तो जो डाई मैग्नेटिक मटेरियल होता है या डाई मैग्नेटिक एटम होता है, उसका मैग्नेटिक मोमेंट कितना होता है? तो डाई मैग्नेटिक मोमेंट जो है, नेट मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होता है। क्यों ज़ीरो होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट? क्योंकि ऑल द इलेक्ट्रॉन्स जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है ना, मैग्नेटिक मटेरियल डाई मैग्नेटिक मटेरियल में ऑल इलेक्ट्रॉन्स आर पेयर्ड, ठीक है ना, सभी इलेक्ट्रॉन जो है वो पेयर्ड होते हैं, सो दैट परमानेंट जो है नेट मैग्नेटिक मोमेंट, इसमें जो होता है नेट मैग्नेटिक मोमेंट पर जो एटम होता है, पर एटम इज ज़ीरो होता है। ठीक है, तो ये थियरी बेस्ड क्वेश्चन था, ज़्यादा एक्सप्लेन करने की हमें ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।